أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल. दोस्तों मेरे दो और चैनल भी हैं जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और की टू सक्सेस है. दोस्तों 24/7 टीचर्स ऑनलाइन बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप उनसे भी सीख सकें. और दूसरा की टू सक्सेस बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मिड टर्म के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से आपकी तैयारी करवाई जाए. तो इस ज़मन में ये दो चैनल भी बनाए गए हैं. तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें. दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो BNK603 कंज्यूमर बैंकिंग का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2020 का उस हवाले से है. तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना क्विज शुरू करते हैं. इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ द बेस्ट इम्प्लीमेंटेड बिजनेस मॉडल. इसमें एफिशिएंट है, यूनिक है, स्ट्रेटेजिक फिट है और इन इफेक्टिवनेस है. तो इसमें जो लास्ट वाली ऑप्शन है इन इफेक्टिवनेस, ये इसका बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, अदर नेम ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग इज, कस्टमर बैंकिंग है, इसमें रिटेल बैंकिंग है, इसमें होलसेल बैंकिंग है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो कंज्यूमर बैंकिंग का जो दूसरा नाम है वो रिटेल बैंकिंग है. तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस बंडलिंग फॉर बैंक. इसमें क्रॉस सेलिंग टू द कस्टमर दैट ओनली बाय वन प्रोडक्ट, इसमें रिटेनिंग कस्टमर दैट ऑलरेडी बाय बोथ द प्रोडक्ट, इसमें अक्वायरिंग न्यू कस्टमर व्हेन दे बाय नाइदर प्रोडक्ट फॉर द टाइम बीइंग, और लास्ट में ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो मैंने जो है इसका आखिर वाला ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन लगाया है. नेक्स्ट है जी, स्ट्रेटेजिक एफर्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूड, इसमें ब्रांड है, इसमें आपके पास पेटेंट है, इसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं दे दीज आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एफर्ट ऑफ द कंपनी. तो इसमें आखिरी जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, इजी पैसा इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑफ द तमीर माइक्रो फाइनेंस बैंक फॉर बिकमिंग द प्रॉफिट बूस्टर. इसमें कस्टमर लॉक इन है, इसमें प्री एम्पशन है, चोक पॉइंट है और इसमें ऑपरेटिंग एगिलिटी है. तो यहाँ पे मैंने जो लगाया है वो कस्टमर लॉक इन मतलब फर्स्ट वाला लगाया है. तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि इसका क्या बनता है. मेरे हिसाब से मतलब ये बनता था तो मैंने फर्स्ट वाला लगा दिया. नेक्स्ट है जी, बेनिफिट अटैच टू द बंडल ऑफ प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक. इसमें कस्टमर परसेप्शन है, वैल्यू प्रीपोजिशन है और सर्विस प्रीपोजिशन है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो मैंने जो है इसका सेकंड वाला वैल्यू प्रीपोजिशन लगाया है, सेकंड वाला. नेक्स्ट है जी, आपके पास 7th क्वेश्चन, स्केल इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट बूस्टर सेगमेंट. इंक्रीज रिटर्न है, कंपेटिटर लॉकआउट है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमीज है और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है. तो इसका थर्ड वाला जो है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमीज वो इसका ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, पीपल राइट एज कंज्यूमर आर इंटरलिंक विद देयर राइट्स एज फिल इन द ब्लैंक. सिटीजन है, नेशन है, सिविलाइजेशन है और पॉपुलेशन है. तो इसमें सिटीजन जो है वो इसका ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कॉल कंज्यूमर व्हेन ही शी परचेज प्रोडक्ट फॉर फिल इन द ब्लैंक पर्पस. रीसेल पर्पस है, पर्सनल है और प्रोडक्शन है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. तो कंज्यूमर उस वक्त कहलाया जाता है
व्हेन दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूजेज। तो सेकंड वाला जो है वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इंटरफेस रेफर टू ऑल द नॉलेज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम एंड यूटिलाइज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जी फुलफिलमेंट ऑफ सपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट, रिलेशनशिप डायनामिक्स, और लास्ट वाला है प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने जो है इसका सेकंड वाला इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट बिल्कुल ठीक जवाब लगाया है। दोस्तों ये था हमारा क्विज BNK603 का, कंज्यूमर बैंकिंग का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से क्विज आ रहे हैं। दोस्तों आखिर में फिर यही कहूँगा, आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें CS101, MGT101, CS201, MGT201, CS601, CS401 और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ, या GDB सोल्यूशन के साथ, या क्विज के सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।